हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। ये मैंने आपको शेयर किया हुआ है स्क्रीन, जिसमें हमने पिछले जो मैंने एक जो जो एपिसोड वन बनाया था काइंड ऑफ, उसमें मैंने बताया था कि जब हम एजुकेशन करके निकलते हैं तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं, जहाँ पर हम अपना कैरियर शेप अप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस एनालिस्ट का जो जो प्रोफाइल होती है, वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन या स्ट्रीम की, वो ऐसा नहीं होता है कि आप वही करोगे, कोई ITCS से देन ही आप बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में आ सकते हो। बेसिकली वो कहीं भी आप, जैसे आपने BSc भी किया हुआ है या आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आप अगर बिजनेस एनालिस्ट की स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये जो जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये बेसिकली मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पर कि जो एक किसी भी IT इंडस्ट्री जो होती है, वो दो तरह की होती है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड। ओके, इन दोनों तरह की इंडस्ट्रीज में बिजनेस एनालिस्ट रोल का जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोफाइल, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो अब जो ये जो मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट हायरार्की क्या होती है, तो हायरार्की जैसे मैं जस्ट एक क्विक ब्रीफ दे रहा हूँ आपको लास्ट वीडियो का, वहाँ मार्केटिंग, सेल्स, HR, लीगल, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, वहाँ पे डेप टीम होती है, QA टीम, DBA टीम होती है, और फिर बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। आज मैं डिटेल में जाऊंगा इस बिजनेस एनालिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट, कुछ लोग बिजनेस एनालिसिस टर्म यूज करते हैं, बट बिजनेस एनालिस्ट इज अ पर्टिकुलर रोल। ओके, बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है, वो बेसिकली एक लेजन होता है। लेजन मतलब किसी एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब वो एक जो क्लाइंट होता है और जो आपकी ये टीम होती है, ये जो टीम होती है, इनके बीच में लेजन होता है, इनके बीच में एक ब्रिज बन के रहता है कि क्लाइंट से वो रिक्वायरमेंट लेता है और आपको इनको डेप टीम को, जो हमारी टीम होती है, इंजीनियरिंग टीम इसको बोल सकते हैं, उनको हमको रिक्वायरमेंट पहुंचाता है। और फिर जब रिक्वायरमेंट जो लेने का तरीका, जो गैदर करने का तरीका होता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो बिजनेस एनालिस्ट में हम बेसिकली तीन चार चीजें होती हैं जो हमको समझनी चाहिए मोटी मोटी। क्या होता है यहाँ पर, जो 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 स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन तो भाई चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, और क्लाइंट जरूरी नहीं है आपका वो कि लोकल क्लाइंट हो, आपके इंडिया का क्लाइंट हो, आपके लोकल स्टेट का क्लाइंट हो, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। वो अगर US का क्लाइंट हुआ, UK का क्लाइंट हुआ, यूरोपियन किसी भी कंट्री का हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, तो आपको कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब मेरा प्योरली मतलब है इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए बिजनेस एनालिस्ट की, ये एक तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रीड, राइट, स्पीक। ओके, सो रीड, राइट, स्पीक तो चाहिए, आपको बात करनी पड़ेगी क्लाइंट से, फिर जो आपने बात करके समझा हुआ है उसको आपको लिखना पड़ेगा, सो दैट वो डॉक्यूमेंट हो जाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाए, और इसके बाद आप उसको रिव्यू करके साइन ऑफ ले सके क्लाइंट से। और फिर आपका रिटन स्पीक, ठीक है, आपको 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 बोलना पड़ेगा उस चीज को, आपको अब उनसे बात करोगे, ठीक है ना। और रीडिंग, समटाइम्स आपको जो है कहीं डॉक्यूमेंट मिलता है, वो लोग को प्रोसेस कहीं पे लिखा होता है, दैट यू वी नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन एक होता है जो कि चाहिए चाहिए बिजनेस एनालिस्ट में। अब जो होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये जो आपका मेन होता है, ये बेसिकली फर्स्ट टर्मोलॉजी है आपके बिजनेस एनालिस्ट प्रोसेस में। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है कि आप क्लाइंट से बात करके, उनका कोई प्रोसेस है उसको समझ करके, आप उसको एनालाइज करना है आपको कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली इसको हम तीन जो टेक्निक्स होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम कई तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरव्यू कर लो आप, ठीक है ना, क्लाइंट का जो स्पॉक होते हैं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं, उनके साथ में आप उनसे मिलके आप उनका इंटरव्यू करो, उनके उनसे क्वेश्चंस पूछो, आप समझो क्या बोलना बोल रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या बताना चाह रहे हैं, उनको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा। अब इंटरव्यू हो गया, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उनसे आप उनका कोई उनका जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे आप, उनके जहाँ पे उनका सेटअप है, आप वहां पर जाइए
और वहां पे आप उनको 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 ऑब्जर्व करिए, वो लोग क्या कैसे कर रहे हैं, उनका उनका प्रोसेस क्या है। आप उस तरह से समझ पाओगे कि उनके प्रोसेस में कुछ खामियां हैं, और हैं तो वो क्या है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना। और तरीके होते हैं, आप उनके साथ में मीटिंग सेटअप कर सकते हो, ठीक है ना। आप उनके साथ में मीटिंग सेटअप करके इन पर्सन आप सेटअप कर सकते हो, इन पर्सन, नहीं तो जो है आप उनसे वर्चुअल काम कर सकते हो, ठीक है ना। आपको उनके टेलीफोनिक टेलीफोनिक जैसे होता है, ठीक है, टेलीफोनिक आप उनसे कर सकते हो। नहीं तो एक वर्कशॉप लगा सकते हो उनके साथ में, ठीक है ना। वर्कशॉप उनके साथ कर सकते हो, 8-10 लोगों की टीम बन जाएगी, जहां पर आप उनके साथ में बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, ये सब, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स और भी बहुत सारी होती हैं, बट बेसिकली हम लोग इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, मीटिंग्स उनके साथ में सेटअप करके, इन सारी चीजों से, वर्कशॉप, ये कुछ है तरीके जो हम ले देते हैं। और डॉक्यूमेंट रीडिंग उनका कुछ एज इज प्रोसेस, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है या उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई है, वो आप डॉक्यूमेंट रीडिंग से कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हर एक चीज में आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स यूज हो रहा है, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, आपको इसमें कमांड होनी चाहिए। अब बात आते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, इसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करोगे। अब डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एक ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि किस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो एज ए बिजनेस एनालिस्ट, वहां पर डॉक्यूमेंट के नाम पर क्या प्रोसेस फॉलो होता है। कुछ कंपनी बोलती हैं आपको बीआरडी बनाना पड़ेगा, इसका नथिंग बट बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कुछ कंपनी बोलती हैं कि भाई हमको बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप एज इज डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है ना। एज इज डॉक्यूमेंट बेसिकली उनका ये कहीं ना कहीं सेम होता है, ठीक है ना। बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होता है और जो ये आपका एज इज प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं आप सेम, एक इसको सेम बोल सकते हो आप। बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं, उनकी बिजनेस नीड्स को कैप्चर करते हैं। और एज इज प्रोसेस भी वही होता है कि आप उनका जो एज इज प्रोसेस है, उनका करंट बिजनेस प्रोसेस को कैप्चर करते हो, ठीक है ना। इसके बाद बनता है हमारा, कुछ कंपनी बनवाती है FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ये क्या करते हो, आप इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को स्प्लिट करते हो फंक्शन रिक्वायरमेंट में। फंक्शन रिक्वायरमेंट आप समझिएगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जांपल बोलता हूं मैं कि मुझे एक कैफे खोलना है, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया। अब वो कैफे में मुझे पॉइंट ऑफ से जो POC, हमारे जो सेल्स, द पॉइंट ऑफ सेल सेटअप्स रेडी करना है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम रेडी करना है, और मेरे ये टारगेट कस्टमर्स होंगे, ये मेन्यूज होंगे, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या हो गया, मुझे एक कैफे बनाना है, मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे इतनी ब्रांचेस खोलनी है अपने ऑल ओवर इंडिया, ये मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना। अब फंक्शनल उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ब्रेक करना होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये बहुत कुछ कंपनीज में बनवाया जाता है, कुछ कंपनी में बोलते हैं कि एज इज बना दिया आपने, और अब टू बी बनाओ, टू बी प्रोसेस। वो टू बी क्या होता है कि उनको चाहिए क्या, ये तो हो गया आपका क्या है उनके पास में, और उनको आपने ब्रेक डाउन कर लिया एज ए फंक्शन रिक्वायरमेंट में, बट टू बी ये आपका टू बी भी हो सकता है ये बेसिकली। ये तो आप फंक्शन रिक्वायरमेंट को आप टू बी भी बोल सकते हैं। और लास्ट में बनता है हमारा SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में, आप समझ रहे ना। तो इसमें जैसे कि होता है आपका स्पेस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, आपकी जो जो सिस्टम रेडी कर रहे हो, जो बिल्डअप कर रहे हो, उसका क्या अवेलेबिलिटी रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, डेली कितने ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं उसमें, क्या क्या इंटीग्रेशन होंगी, क्या क्या, मैं सब पे डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन इसमें क्या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स के साथ में आपको अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सारा कुछ आप जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर ये अगर आप देख रहे हो, तो ये मोटा मोटा यही रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो कुछ 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 ऑर्गेनाइजेशन इसको कुछ और नाम से बुला सकते हैं, इसको FRS को FSD कुछ लोग बुलाते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, कुछ लोग बोलते हैं FSD क्या होता है,
कुछ भी नहीं होता है, इसको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये जो ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में कि भाई FSD क्या होगा, आपको के लिए FSD क्या है, ये तो हमने तो FRS बनाया हुआ है। तो बेसिकली दोनों सेम है, और टू बी भी सेम होता है। टू बी में हम क्या करते हैं कि हम एनालिसिस भी करते हैं और इसके बाद में हम लिखते हैं कि उसको प्रॉब्लम जो है क्लाइंट को, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। मैं हर एक के बारे में डिटेल में जाऊंगा स्लोली, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आप धीरे धीरे इसको अडाप्ट करिए, जो मैंने बोला है उसको आप सुन सकते हैं बार बार, उसको समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लेमेन की तरह बता रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन किया, आपने कुछ कुछ कोर्स किया, आपने कुछ पढ़ाई किया, आप फिर चाह रहे हो कि मैं आप क्या करूं। तो मैंने आपको ऊपर के वीडियोस में जो जो मेरा पहला वीडियो था उसमें आपका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर मैं वीडियो में आप देख लेना कि वहां पर आप निकलने के बाद में आपके पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, आप क्या कर सकते हो। और एज ए बिजनेस एनालिस्ट अगर आपको करना है तो आप कैसे आ सकते हो उस लाइन में, ठीक है ना। और इस वीडियो में आपने देखा ही कि मैंने बताने की कोशिश की, ये जो BA जो होता है वो क्लाइंट पे, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, तो BA जो होता है वो हमारा क्लाइंट और जो हमारी इंजीनियरिंग टीम होती है उनके बीच का एक लेजन का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। इनसे रिक्वायरमेंट लेता है, समझता है, एनालाइज करता है, रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करता है। ओके, और यहाँ पर इनको इनको प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन प्रोवाइड सम सोल्यूशन, ठीक है ना। अब मैं हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स में जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैंने टीम्स बताई हैं, उन टीम्स को भी मैं और थोड़ी टीम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ, जो जो CML Level 5 कंपनीज होती हैं, जो Fortune 500 कंपनीज होती हैं, उनकी टीम, उनके यहाँ पे टीम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि तो छोटी कंपनीज में कम रिसोर्सेस में ही काम कराया जाता है। एक बट जो एक जो IIT IIL प्रोसेस होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी होती है, जिनके पास में एक हायरार्की होती है, उन्होंने हमको हर एक रोल के लिए एम्प्लॉयज हायर करने ही चाहिए, हम एक एक आदमी से 10 रोल का काम नहीं करा सकते। तो उस कंपनीज में आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है जो एक किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जरूरी होता है। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, उसका मैं एक प्रेजेंटेशन करके मैं देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना के डालूंगा सो दैट आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ना हो। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, लर्न एंड ग्रो। प्लीज सब्सक्राइब, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेट्स ऑन माई एनी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।